हिंदुस्तान का मुकुट और देवभूमि कही जाने वाले दो हिम प्रदेश इन दिनों ईश्वरी कहर का शिकार है। हिमाचल और उत्तराखंड में जोरदार बारिश ने पहाड़ों की जमीन हिला दी है। कुदरत के कहर से पहाड़ कांप रहे हैं। लगातार भयानक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल में कई जिलों में बाढ़ के चलते भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। शिमला के कृष्णा नगर में तो पहाड़ दरकने के बाद सांसें थामने वाला मंजर नजर आया है। यहां बचाव बचाव की तेज आवाजों ने अंतर तक हिला दिया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आवाजें आ रही हैं, आए राम बचाओ, बाबा इसके अंदर कहीं कोई फंसा तो नहीं। ये नजारा शिमला के कृष्णा नगर का था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स के स्क्रीन पर खूब दौड़ रहा है। आपको बता दें, शिमला के समर हिल का शिव मंदिर भी बीते दिनों गिर गया था। हर जगह से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक तमाम घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ रहे हैं। देवभूमि में ये मंजर और दर्द एक महीने में दूसरी बार महसूस किया गया है। इसके अलावा ऐतिहासिक और अंग्रेजों के जमाने की शिमला कालका रेलवे लाइन का ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत ये रही कि जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था जिससे जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से कहर खूब मचा हुआ है। अब तक तकरीबन 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लैंडस्लाइड के कारण जिस तरह से हादसे सामने आ रहे हैं वो डराने वाले। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार भीषण बारिश हो रही है, जिसका असर राजधानी दिल्ली तक में देखा जा रहा है। वहां का बारिश का पानी अब यहां आया है और यहां भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना बहने लगी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में तबाही का ये मंजर आपको अंदर तक हिला सकता है। भारी बारिश के चलते राज्य में अब तक तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होने की आशंका है। हिमाचल में स्कूल कॉलेजों को खराब मौसम के चलते 16 अगस्त तक बंद किया गया था। अब उम्मीद है कि इसे आगे और बढ़ा दिया जाएगा। हिमाचल की राजधानी शिमला में भूस्खलन की वजह से एक के बाद एक कई इमारतें गिरी हैं और इसी क्रम में कृष्णा नगर का भी वीडियो सामने आ चुका है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि शिमला समेत कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पानी के रिसाव के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सीएम सुक्खू का कहना है कि शिमला में ड्रेनेज सिस्टम के कारण आगामी समय में काम किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाएँ आगे ना हों। सीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश में इस तबाही से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।